आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी पर 5 अहम खबरें आई हैं जिन्होंने ऑक्शन से पहले खलबली मचा दी है। हाँ, इस बार मेगा ऑक्शन के दौरान टीमों में काफी हलचल देखी जा सकती है। खिलाड़ियों को खरीदने से पहले बेचने की प्रक्रिया में बढ़ती बेचैनी साफ नजर आएगी, क्योंकि बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने मेगा ऑक्शन के लिए खास तैयारी की है। चलिए इन 5 अपडेट्स पर नजर डालते हैं। तो पहली अपडेट है, बीसीसीआई ने रिटेंशन की अवधि बढ़ाने की तमाम फ्रेंचाइजी टीमों की मांगों को ठुकरा दिया है। आईपीएल की अधिकांश टीमों ने बीसीसीआई से कहा कि रिटेंशन की संख्या को 4 से बढ़ाकर कम से कम 5 या 6 खिलाड़ियों तक किया जाए, जिसमें 4 भारतीय और 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, लेकिन गवर्निंग काउंसिल ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। अब बीसीसीआई बहुत ही सीमित रिटेंशन ऑप्शन देने वाली है, जिससे टीमों के लिए मेगा ऑक्शन एक कठिन चुनौती बनेगा। दूसरी अपडेट, सितंबर के आखिरी हफ्ते में रिटेंशन पॉलिसी की घोषणा हो जाएगी। अगले 10 से 15 दिनों में आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन पॉलिसी के सभी नियमों और निर्देश जारी किए जाएंगे। बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल इस पूरे ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे रही है और अब यह तय हो चुका है कि नियम इसी महीने के अंत तक आ जाएंगे। तीसरी अपडेट है, राइट टू मैच यानी कि आरटीएम कार्ड की वापसी तय है। आरटीएम कार्ड एक ऐसा नियम है जिसे पहले इस्तेमाल किया जा चुका है लेकिन बाद में हटा लिया गया था। इस बार मेगा ऑक्शन में यदि किसी खिलाड़ी को ऑक्शन में किसी टीम द्वारा खरीदा जाता है और उसकी मूल टीम उसे वापस खरीदने के लिए आरटीएम कार्ड का उपयोग करती है तो वह खिलाड़ी अपनी मूल टीम में लौट सकता है। चौथी अपडेट, रिटायर्ड खिलाड़ियों का अनकैप्ड रूल इस बार लागू किया जाएगा। यह नियम कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी 5 साल से ज्यादा समय से पहले रिटायर हो चुका है तो उसे अनकैप्ड खिलाड़ी की सूची में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे खिलाड़ी जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय नहीं है, उन्हें रिटेन करने का मौका मिलेगा। पांचवी अपडेट, रिटेंशन में अब सैलरी तय नहीं होगी। टीमों को अब यह पूरी आजादी दी जाएगी कि वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को कितनी सैलरी देना चाहती है। पहले रिटेंशन खिलाड़ी की सैलरी, सेकंड रिटेंशन खिलाड़ी की सैलरी आदि की कोई निर्धारित सीमा नहीं होती थी। टीम अपनी जरूरत के हिसाब से सैलरी का निर्धारण करेगी। तो यह 5 प्रमुख अपडेट जो आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी पर आधारित है। इन बदलावों के साथ आईपीएल टीमों की हलचल बढ़ चुकी है। टीमों को अपनी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। वे मेगा ऑक्शन के लिए कैसे तैयार होंगी, आपके इन अपडेट्स के बारे में क्या राय है, कृपया अपनी टिप्पणियों के साथ साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।